हाय फ्रेंड, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अरबी के पत्ते का साग। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल पर बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये अरबी के पत्ते का डंठल है, तो उसे भी हमने ऊपर का छिलका हटा करके ले लिया है। और ये अरबी का पत्ता है, तो जिसके नस है वो काट करके और हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से रनिंग वाटर में इसे हमने धो लिया है। और धो लेने के बाद मैं इसे काट ले रही हूँ कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर 8-10 ये अरबी के पत्ते हैं, और जो कौला कौला डंटी था वो डंटी को भी हमने ले लिया है ऊपर का छिलका उतार करके। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी 1 गिलास के जितना, और इसे हमने 5 मिनट के लिए पकाया है। लेकिन अभी ना ये सॉफ्ट हुआ नहीं है, और भी ये पकेगा। तो इसमें हमने नमक डाला है, और नमक डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा और पानी, क्योंकि ये अभी तक गला नहीं है, तो थोड़ा और गलने के लिए हमें पानी की आवश्यकता है। तो हमने डाल दिया इसमें पानी। अब हमने इसमें डाल दिया 1 बड़ी साइज़ की टमाटर, और मिर्ची हमने यहाँ पे 2 डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। तो टमाटर और नमक डाल के पकाने के बाद देखिए इसका कलर जो है थोड़ा चेंज हो गया है, और ये गल गया है साग हमारा अच्छी तरीके से। तो अब हमने इसमें डाल दिए हैं नींबू का रस। तो 1 नींबू का रस डाल देना है जब ये पक जाए ना उसके बाद। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने इसमें कुछ भी तेल वगैरह नहीं डाला है। तो अब हम इसमें लगाएंगे छौंक। तो छौंक लगाने के लिए 2-3 चम्मच हमने तेल लिए, लहसुन ली है, 2 सूखी लाल मिर्च ली है, और उसमें हमने मूंगफली डाला है। इससे ये साग का फ्लेवर जो है बहुत बढ़ जाता है। और ये सब अच्छी तरीके से भून गया है, तो 1/2 प्याज हमने मोटा मोटा काट करके इसमें हमने डाले हैं। ये सब को हमें अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, और इसका तड़का हम साग में लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से लगा के अब मिक्स करके चाहे तो 2 मिनट के लिए एकदम धीमा आंच पर ढक करके इसे पका लीजिए। ये भात दाल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार बनाए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।